Shifting focus, officials racing against time to shift villagers out from the area around the Karam Dam in Dhar district of Madhya Pradesh, where after cracks appeared on the dam, there are serious concerns of the dam bursting. Army, SDRF and NDRF teams are present at the location along with top Madhya Pradesh government authorities to move the villagers to safety. देशभक्ति का जज्बा मौत के किसी भी भय से कहीं बढ़कर होता है और इसकी बानगी है ये तिरंगा जो इस झोपड़ी पर लगा हुआ है, साथ में खड़े हुए हैं उसके जय सिंह। और यहाँ की जो कहानी है वो देश भर में सुर्खियों में बनी हुई है। आपको पता है कि कारम डैम में वो जो बाढ़ आई थी या उससे रिसाव जो हुआ है और उसके बाद जान माल का जो खतरा बना है, उसके बाद लोग अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए पहाड़ों पर शरण लिए हुए हैं। जय सिंह अकेले नहीं, उनके साथ उनका परिवार भी है। उनका परिवार देखिए आप तस्वीरों में, खाना वहाँ बन रहा है उनका, और इनका परिवार अकेला नहीं, गांव के लोग हैं और तमाम 18-15 गांव के लोग इसी तरह से पहाड़ों पर शरण लिए हुए हैं। लेकिन जो तिरंगे की आन बान शान है उसे नहीं भूले कम से कम जय सिंह। इसके बारे में हमसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए जय सिंह जी कि जिंदगी पे आन पड़ी है, हमने पूरा इलाका घूम लिया, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, डर है कहीं कारम डैम का पानी का फ्लो एकदम आया तो कई गांव बर्बाद हो सकते हैं, सैकड़ों लोग ऊपर आश्रय लिए हुए हैं। आपने ये कैसे रखा कि झोपड़ी आपने कल परसों ही बनाई और 13 तारीख से आपका तिरंगा यहाँ? ये मोदी जी के जो निर्देश थे, उन्होंने कहा था कि सशक्त भारत हो, भारत का निर्माण हो, उनके आदेश के अनुसार हमने तिरंगा लहराया है। जो कि जो तिरंगे के लिए उन्होंने आन बान शान की जो बात कही थी उस पर हम निभा रहे हैं और उनके वचनबद्ध है और हम उनके अनुसार उनके जो भी उन्होंने आदेश दिए उसका हम पालन कर रहे हैं और आज भी हमने हमारी झोपड़ी पर तिरंगा लहरा के रखा हुआ है। तो ये मोदी जी ने जो इनको इंस्ट्रक्शन सभी देश को दिए थे कि 13 से 15 तारीख तक तिरंगे को लहराना है, इस झोपड़ी में इन्होंने जहाँ आश्रय लिया हुआ है पहाड़ के ऊपर वहाँ इन्होंने तिरंगा लहरा रखा है। एक तरफ आप देख रहे होंगे नीचे सड़क पर एक साइड में लोग कई गाड़ियों से गुजर रहे हैं और नीचे उसके कारम डैम है और ये पहाड़ी के ऊपर हम लोग जय सिंह के साथ में जो तिरंगा लगाकर अपने झोपड़ी पर यहाँ आश्रय लिए हुए अपने बच्चों के साथ में, ताकि अपनी और अपने बच्चों की और गाँव वालों की ज़िंदगी बचाई जा सके। तो इनके जज्बे को कम से कम इसलिए मैं सलाम करूँगा कि इन्होंने तिरंगे की आन बान शान को ज़िंदगी पर आफत आई उसके बाद भी नीचे नहीं गिरने दिया।